दर्शकों नमस्कार। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां अखिल भारतीय दलित महासभा के राष्ट्रीय सचिव रंजीत भारती बांसगांव लोकसभा क्षेत्र 67 के हो सकते हैं संभावित प्रत्याशी। उन्होंने एंग्लो इंडियन न्यूज से संवाददाता सुनील पाठक से की खास वार्ता। आइए जानें आप भी उस खास वार्ता के कुछ अंश। अपनी चुनावी तैयारियों का जायजा देते हुए उन्होंने मीडिया के सामने रखी अपनी बातें। इस समय पूरे देश ही नहीं प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हर जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान भी हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तिथि निर्धारित हो चुकी है। ऐसे में दलित महासभा के राष्ट्रीय सचिव रंजीत भारती हमारे साथ मौजूद हैं, बांसगांव से संभावित प्रत्याशी हैं। रंजीत जी, चर्चा आ रहा है कि आप बांसगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। किस पार्टी से हैं? हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के तमाम लोगों ने बुलाया कि आप हमारे पार्टी से लड़ जाइए, हमारी पार्टी से। तो हमने कहा कि नहीं, हम बांसगांव संसदीय क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बांसगांव में भाजपा के दो बार सांसद रह चुके हैं कमलेश पासवान जी। जी, उनके विकास कार्यों को लेकर के 10 सालों में आप कितना संतुष्ट हैं? जी, दरअसल बांसगांव संसदीय क्षेत्र में मूल रूप से जो धरातल पर काम होना चाहिए, जो विकास कार्य धरातल पर होना चाहिए, जो सामाजिक समरसता को बना करके लेकर के सांसद जी को चलना चाहिए, वो काम आज भी नहीं हो पाया है। और ऐसी दशा में हम बांसगांव संसदीय क्षेत्र में कई गांव के दौरा हमने किया। वहां के हजारों हजार लोगों से मुलाकात हमारी हुई। उन लोगों ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में बहुत से लोग आए, चुनाव लड़े, लेकिन जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों का कोई मदद आज तक ले नहीं किया है। केवल हवा में वोट लोग मांगते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति जो है आज भी किसी लोकसभा के सदस्य जितने भी हुए उन लोगों का कोई परवाह नहीं रहता है। बांसगांव से चुनाव लड़ रहे हैं जी, पिछड़ी सीट है जी, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे जी, सभी दलों के अनुसूचित है सर। हाँ, अनुसूचित है, सभी दलों के प्रत्याशी आएंगे जी, निर्दल भी रहेंगे, पार्टियों से भी लड़ेंगे जी। ऐसे में आप उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला, दरअसल हम बहुत पुराने नेता हैं और जनता हमको जानते भी है, और जो वहाँ चुनाव मैदान में इस समय जनता से वोट मांगने के लिए तैयारी में है, जनता सबको देख रही है कि ये लोग किस लायक हैं, और हमको भी जनता देखना चाहती है कि एक मर्तबा जो है ऐसे रंजीत भारती को बांसगांव संसदीय क्षेत्र से चुनाव जिताया जाए। और ये संसदीय क्षेत्र में जो भारत के इतिहास में आज तक ये कोई आदमी बांसगांव का संसद काम जो नहीं किया है, वो हम चुनाव जीतने के बाद वो करके दिखा देंगे। अभी आपके बांसगांव के चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा हमारा बांसगांव संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले बेरोजगारी है, और महंगाई है। केंद्र और प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है जो जनता ने बड़े उम्मीद के साथ उनको अपना मत दे करके सरकार बनाया, बड़ा विश्वास के साथ। वह सरकार ने आज बांसगांव संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के संसदीय क्षेत्र की जनता को उन लोगों ने धोखा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में 10 वैकेंसी निकाली गई, लेकिन 10ों का पर्चा लीक हो जाता है और एक एक बच्चे जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं, वो लोग 1200-1500 रुपया वांट भरने में लगता है। अब आप जोड़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है, अभी हाल ही में पुलिस भर्ती निकाली गई थी लगभग 25,000, तो 25,000 के भर्ती में लगभग 60,000 बच्चे जो है आवेदन पत्र भरे थे, और 60,000 के बच्चे भरे थे, तो उसमें एक एक बच्चे 1200-1200 रुपया खर्च करके वांट भरे। आप यही जोड़ लीजिए कि अरबों रुपया समाज के दबे कुचले लोगों से, गरीब लोगों से, बेरोजगार लोगों से आज सरकार लेकर के बैठ गई और केवल अखबार में और मीडिया में दिखावे के नाम पर जो है कि
पर्चा लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जनता को तो लूट लिए, वांट के नाम पर आप लोगों ने लूटने का काम किया है। ऐसी क्या खासियत है रंजीत भारती में जो बांसगांव की जनता आपको वोट करेगी? दरअसल बांसगांव संसदीय क्षेत्र की जनता जितने लोगों को उन लोगों ने अपना मत दे करके अपना विश्वास जताया, उस विश्वास पर जो भी लोग चुनाव जीते वो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, इसलिए वहाँ की जनता आज बहुत ज़्यादा दुखित है और परेशान है।